अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद नास्तो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन टिक्का बोटी। ये शुरू करते हैं। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर दूंगी। चिकन मैरिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ली हूँ। इसके अंदर मैं यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब दही ली हूँ। ये प्लेन दही है, इसमें मैं ऐड करूँगी दही। इसके अंदर मैं कुछ हमारे पाउडर मसाले ऐड करूँगी। ये नमक है, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से आप लीजिएगा। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला पाउडर। हम ये सब पाउडर मसाले को इसमें दही में ऐड कर देंगे। हमारा मैंने 2 टेबल स्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट ली हूँ, इसमें ये ऐड करूँगी मैं। 1 टेबल स्पून के करीब मैं ऑयल ऐड करूँगी। मसाले और दही को मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी ताकि हमारे मसाले और दही अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैं रेड जेल फूड कलर ऐड कर रही हूँ। आप पाउडर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको फूड कलर ऐड नहीं करना है तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। मैं इस मसाले में फूड कलर को मिक्स कर दूंगी। यहाँ पर मैं 1/2 नींबू का रस ऐड करूँगी हमारे मसाले में। नींबू के रस को भी मैं मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स कर दूँगी। यहाँ पर मैंने बोनलेस चिकन ली हूँ। ये मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली हूँ। यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको 3 पानी से धोकर इसमें से पानी निकाल दी थी। स्ट्रेनर में रखा रहे मसाले में चिकन को मैं ऐड कर दूँगी। ये देखिए, यहाँ पर हमारे अभी यहाँ पर मैं चिकन को हमारे मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। मैरिनेशन है वो हमारे चिकन में अच्छी तरीके से लग जाए। पर हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अभी यहाँ पर मैं इसे 1 घंटे तक फ्रीज में रख दूँगी ताकि हमारे चिकन बहुत ही अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए हमारे मसालों में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मैरिनेट करके चिकन को 1 घंटे तक के रख दी थी। यहाँ पर हमारा चिकन अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्टिक्स ले ली हूँ। यहाँ पर मैंने 4 से 5 स्टिक्स ली हूँ। इसके अंदर मैं एक एक चिकन के पीस ऐड करूँगी। ये देखिए कितनी अच्छी तरीके से हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। ये देखिए, हम चिकन को इस तरीके से ऐड करेंगे हमारे स्टिक्स में। चिकन के कोई भी पीसेस ले सकते हो आप, छोटे ले सकते हो, बड़े ले सकते हो। और इसको एक प्लेट में साइड में रखते जाऊँगी। देखिए, यहाँ पर हम इसी तरीके से सेम हम सारी स्टिक्स के अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने स्टिक्स के अंदर चिकन को ऐड कर चुकी हूँ। अब यहाँ पर मैं फ्राई पैन में हमारी चिकन स्टिक्स को फ्राई कर लूँगी। देखिए, यहाँ पर मैंने फ्राई पैन ली हूँ एक। ये देखिए, यहाँ पर हमारी चिकन दोनों साइड से फ्राई हो चुकी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी चिकन दिख रही है। कलर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा आया है हमारी चिकन में। तो चलिए, अब यहाँ पर मैं इसका गैस ऑफ कर दूँगी। मैं ये ग्रिलर ले लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हो, ये ग्रिलर पे मैं चिकन के पीसेस को ऐड कर दूँगी। ग्रिल के ऊपर मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस को ऐड करूँगी एक एक करके। यहाँ पर ये जो फ्राई पैन है इसे मैं हटा के गैस के ऊपर ये ग्रिलर रख दूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस ऑन कर दी हूँ। यहाँ पर मैं फास्ट गैस पर ग्रिल को थोड़ा ऊपर उठा के इस तरीके से मैं हमारी चिकन को ग्रिल करूँगी ताकि इसमें हमारा अच्छा सा ग्रिल फ्लेवर आ जाए हमारी चिकन स्टिक्स के ऊपर। जिस तरीके से सेम रेस्टोरेंट स्टाइल में जिस तरीके से हमारी चिकन टिक्का बोटी बनती है, सेम उसी तरीके से हमारी बनेगी चिकन टिक्का बोटी। सेम उसी तरीके से फ्लेवर आएगा। ये देखिए, यहाँ पर एक साइड से हमारी चिकन टिक्का बोटी हो चुकी है। अब मैं इसे टर्न कर दूँगी दूसरे साइड पर। देख सकते हैं हमारी चिकन टिक्का बोटी के ऊपर कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आए हैं। अब यहाँ पर मैं दूसरे साइड से भी इसी तरीके से सेम इसे भून लूँगी। अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो कोई भी टेंशन की बात नहीं है। आप एक एक स्टिक्स लेके, एक सेकंड में आपको बताती हूँ, आप एक एक स्टिक्स लेके इस तरीके से थोड़ा सा आप हाथ दूर रखेंगे, मगर इस तरीके से आप इसे भून सकते हैं।
आसानी से। यहाँ पर मैं इसे ग्रिल पे अच्छी तरीके से भून लूँगी। ये देखिए यहाँ पर हमारी चिकन टिक्का बोटी रेडी है, बस इसे अभी हमने स्मोकी फ्लेवर देना है। देखिए ये जो हमारी चिकन टिक्का बोटी बनकर रेडी है, अभी यहाँ पर मैं इसे स्मोकी फ्लेवर दूंगी। इसे मैं हमने हमारी बोटी को फ्राई करे थे उसी फ्राई पैन में मैंने यहाँ पर बोटी ऐड कर दी हूँ। और यहाँ पर मैंने एक कॉइल पहले से गर्म करके रख दी थी हमारा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। अब इसके ऊपर मैं 2-3 ड्रॉप के उतना ऑयल ऐड करूँगी और इसे मैं अच्छी तरीके से ढक दूँगी बड़ी प्लेट से। और इसके ऊपर मैं एक वज़न चीज़ रख दूँगी ताकि हमारा स्मोकी फ्लेवर इसी के अंदर रहे। इसे मैं 5 से 7 मिनट के बाद इसे मैं ओपन करूँगी। चलिए इसे 5 से 7 मिनट हो चुका है, अभी हम इसे हटा के चेक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का बोटी बनकर रेडी है। चलिए अभी हम इसे डिश आउट करते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमारा चिकन टिक्का बोटी बनकर रेडी है। माशाल्लाह बहुत ही गजब का लग रहा है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। फ्रेंड्स हमारी चिकन टिक्का बोटी बनकर रेडी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआ में याद रखें। फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।